बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए हमने एनर्जी की इक्वेशन डिराइव की थी लास्ट टाइम। ये पूरी डिराइवेशन, ये जिसे मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल का वेव फंक्शन और एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। दिस इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इस इक्वेशन से हम बहुत सारे कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी पार्टिकल जिस और जितना ऊपर जाएगा उतना ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अगर पार्टिकल फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल विल बी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी की ये इक्वेशन है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और 1 का स्केयर भी 1 है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट एनर्जी लेवल इज h स्केयर ओवर 8ma स्केयर। और ग्राउंड स्टेट में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को कहा जाता है जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ये जो n की वैल्यू 1 है, इट इज़ फॉर ग्राउंड स्टेट। जब मॉलिक्यूल सेकंड लेवल में जाएगा तो सेकंड लेवल इसका फर्स्ट एक्साइटेड लेवल होगा। वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल का फर्स्ट लेवल कहलाएगा ग्राउंड स्टेट और सेकंड लेवल कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और थर्ड लेवल कहलाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, एन की वैल्यू 2 होगी और एनर्जी की ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखें, जब फर्स्ट और सेकंड सेकंड लेवल की एनर्जी में 3 यूनिट का डिफरेंस है, एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर, ये चूँकि हर इक्वेशन के साथ है, इसको हम एनर्जी की यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर इट मे बी कॉल्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हर इक्वेशन के साथ है। तो जो जो मॉलिक्यूल हर लेवल में जाएगा, 1 से 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, देन 36 एंड देन 49 एंड देन 64 एंड देन 81 एंड देन 100 एंड सो ऑन। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। मॉलिक्यूल जितना हायर लेवल में जाएगा उतना ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इस केस में n विल बी कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब ये एनर्जी की वैल्यू चूँकि क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और इस एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, ये देखें, एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर के बाद जब मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी तो 4h स्केयर इंटू ओवर 8ma स्केयर पे चली जाएगी, और इससे हायर स्टेप में जब मॉलिक्यूल जाएगा तो उसकी एनर्जी 4 से इंक्रीज होकर 9 हो जाएगी, और उससे हायर स्टेप में जाएगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी 9 से एक्सीड करके 16 हो जाएगी। इट मीन वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी की, ये पार्टिकल चाहे कोई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई प्रोटॉन हो और समथिंग एल्स, वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, फिक्स वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती हैं। देयरफॉर वी कैन से एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज क्वांटाइज्ड। एक बात और, m है यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। पार्टिकल की मास जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब है, पार्टिकल की मास अगर ज़्यादा हो तो एनर्जी चूँकि कम होगी तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अगर पार्टिकल की मास बहुत ज़्यादा हो, यानी अगर कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, उसके एनर्जी लेवल बहुत क्लोज होंगे। देयरफॉर मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, उसमें फिर पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहेगी, उसको फिर क्वांटम मैकेनिक्स की बजाय क्लासिकल मैकेनिक्स में डील किया जाएगा।
एक चीज़ हमने डिस्कस की थी स्टार्ट में कि रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन हमने कहा था ट्रांसलेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती। यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी को क्वांटाइज्ड ले रहे हैं क्योंकि हमने इस पर बहुत सारी एजम्पशन लगा दी हैं। हमने कहा है कि पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स से बाहर जा नहीं सकता, लेकिन आम तौर पर जो हमारे अराउंड पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं वो फ्री पार्टिकल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, कोई कार हो, कोई मोटरसाइकिल हो, कोई परिंदा हो, कोई हवाई जहाज़ हो, कोई साइकिल हो, कोई पानी के अंदर तैरती हुई मछली हो, वो फ्री पार्टिकल होते हैं। उनके ऊपर इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। जिस तरह हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में ये सपोज किया हुआ है कि पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, हमने कहा कि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर रहेगा, और फिर हमने अज्यूम किया कि इस पार्टी बॉक्स के अंदर रहते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इस बॉक्स की टोटल लेंथ ए है। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसने चूंकि यहाँ कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, एक्स ज़ीरो है, एक्स रिप्रेजेंट करता है इसके डिस्प्लेसमेंट को। जो जो पार्टिकल यहाँ जाएगा एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इट मीन कि एक्स वेरिएबल है, और यहाँ जाके एक्स की वैल्यू इस बॉक्स की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यानी पार्टिकल जब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तो उसने इस बॉक्स की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया, उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉक्स, और लेंथ ऑफ बॉक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ये देखिए हमने लिखा था कि लेंथ ऑफ बॉक्स इज ए। अब ये हमने इस पर बहुत सारी कंडीशन लगाई हैं। अब ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर तो फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये फ्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि ये इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारी एवरीडे लाइफ में अगर कोई चींटी भी चल रही है तो भी उस पर कोई कंडीशन नहीं है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो फ्रीली मूव कर सकती है, और उस चींटी को इस बात का पाबंद नहीं किया जा सकता कि उसने स्ट्रेट लाइन पर ही रहना है, तो वो वन डायमेंशनल मूवमेंट में भी नहीं होती, वो उड़ नहीं सकती तो टू डायमेंशनल मोशन में होगी, थ्री डायमेंशन में नहीं होगी, लेकिन वन डायमेंशन में भी नहीं होगी। तो हमारी एवरीडे लाइफ में जिन मूविंग पार्टिकल से हमारा वास्ता पड़ता है उन पर कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए वो फ्री पार्टिकल होते हैं और उनका मैस भी ज़्यादा होता है, उनके बॉक्स की लेंथ भी ज़्यादा होती है। इस इक्वेशन से आप ये भी देखें कि अगर बॉक्स की लेंथ ज़्यादा हो तो भी उसकी एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब करीब होंगे। ये देखें बॉक्स की लेंथ है ए, अगर बॉक्स की लेंथ ज़्यादा हो तो भी पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स की लेंथ ज़्यादा हो एनर्जी लेवल क्लोज टू ईच अदर होंगे, उनके दरमियान एनर्जी का गैप कम होगा, लिहाजा पार्टिकल के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना कोई मसला नहीं होगा। पार्टिकल कैन ईजली जम्प फ्राम लोअर लेवल टू हायर लेवल, देयरफॉर इट्स मोशन इज नो मोर क्वांटाइज्ड। अब इस पर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होंगे, अब इसको हम डील करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। पार्टिकल की मैस डबल कर दें एनर्जी हाफ हो जाएगी, पार्टिकल की मैस थ्री टाइम इंक्रीज कर दें एनर्जी थ्री टाइम डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में मौजूद पार्टिकल की मैस 10 टाइम इंक्रीज करें तो उसकी एनर्जी 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, यानी इनिशियल एनर्जी का 1/10 हो जाएगी। प्रोटॉन की मैस इलेक्ट्रॉन की मैस का 1836 टाइम्स, यानी प्रोटॉन की मैस इलेक्ट्रॉन की मैस से 1836 गुना ज़्यादा है, इसलिए वन डायमेंशनल बॉक्स में प्रोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से 1836 टाइम्स कम होगी, और उसके एनर्जी लेवल में जो गैप है एनर्जी का वो भी इसी लिहाज से कम हो जाएगा, उसके एनर्जी लेवल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। इससे आप अज्यूम करें कि अगर मैं एक पत्थर 10 ग्राम का एक स्टोन मैं इस तरह हवा में उछाल दूं, अव्वल तो उस वो स्टोन वन डायमेंशन में मूव नहीं करेगा, वो थ्री डायमेंशन में मूव करेगा, लेकिन चले हम सपोज कर लें कि उसकी मोशन वन डायमेंशनल है, तो भी उसकी मैस इतनी ज़्यादा है और उसके बॉक्स की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसकी मोशन क्वांटाइज नहीं रहेगी, उसके एनर्जी लेवल बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और उसकी मोशन क्वांटाइज नहीं होगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा,
अब उसको डील हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। हमने कहा मैस डबल करें एनर्जी हाफ हो जाएगी, लेकिन लेंथ ऑफ बॉक्स के साथ रिलेशन इससे डिफरेंट है। बॉक्स की लेंथ डबल करें एनर्जी 4 times डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ लेंथ। तो अगर आप 1 dimensional बॉक्स की लेंथ को डबल कर दें, उस पार्टिकल की एनर्जी 4 times डिक्रीज होगी, 4 times कम हो जाएगी। और 1 dimensional बॉक्स की अगर आप लेंथ को 3 times इंक्रीज करें, 3 times बढ़ा दें, तो उसकी एनर्जी 9 times डिक्रीज हो जाएगी। तो समरी इस पूरी बात की ये है कि अगर 1 dimensional बॉक्स में पार्टिकल की मैस इंक्रीज कर दें, उसकी मोशन क्वांटाइज्ड नहीं रहती। अगर वो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक की रेंज में आ जाए तो उसकी मोशन क्वांटाइज्ड नहीं रहती। और अगर बॉक्स की लेंथ ज़्यादा कर दें तो भी किसी न किसी स्टेज पे वो पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके रिजल्ट एक दफा दोबारा देखें फ्रॉम दिस इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 9 कहा हुआ है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 dimensional बॉक्स इज क्वांटाइज्ड। क्यों ये एनर्जी 1 dimensional बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्यों क्वांटाइज्ड है? क्योंकि इस एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, और वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमने इस टेबल में डिस्कस की हैं, और ये वैल्यूज़ एन की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं। एन इस पर यहाँ पर इनका क्वांटम नंबर है। तो पहली बात तो हमने ये डिस्कस कर ली कि 1 dimensional बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। दूसरी बात, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 dimensional बॉक्स इज मल्टीपल ऑफ एच स्केयर ओवर 8 mv². ये देखें, ये फैक्टर चाहे पार्टिकल फर्स्ट एनर्जी लेवल में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, 4 में हो 5 या 6 में हो, ये फैक्टर सबके साथ कांस्टेंट है, एच स्केयर ओवर 8 mv². इसलिए हम कहते हैं कि 1 dimensional बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी इस फैक्टर का, ये जिसको हमने येलो हाईलाइट कर दिया, इस फैक्टर का मल्टीपल है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 dimensional बॉक्स इज मल्टीपल ऑफ एच स्केयर डिवाइडेड बाई 8 mv². तीसरी बात, पार्टिकल की लोएस्ट एनर्जी जिसको 0 point एनर्जी कहते हैं, दैट इज़ नॉट ज़ीरो। 0 point एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 dimensional बॉक्स इज नॉट ज़ीरो। ये हमने यहाँ पर नीचे इसको शो भी कर दिया। ये देखें, 0 point एनर्जी में पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं है, बल्कि एच स्केयर ओवर 8 mv² है। इट मीन मॉलिक्यूल अगर लोएस्ट लेवल में भी हो तो भी उसकी एनर्जी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास फिर भी होगी, वो मूव करेगा। तो इन 1 dimensional बॉक्स मोशन नेवर सीजेस। इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इन 1 dimensional बॉक्स मोशन ऑफ अ पार्टिकल नेवर सीजेस। 1 dimensional बॉक्स में पार्टिकल की मोशन कभी भी रुकती नहीं है, ये एवर मूविंग कंडीशन में होता है। तो इन 1 dimensional बॉक्स मोशन ऑफ पार्टिकल नेवर सीजेस। ऐसी ही बात हमने वाइब्रेशन के लिए भी की थी कि वाइब्रेशन नेवर सीजेस, मॉलिक्यूल की मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं होती। ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नेवर 0। मॉलिक्यूल जितना भी लोएस्ट लेवल में चला जाए, वाइब्रेशन उसमें होती रहती है। अब तीसरी बात, अब
मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? क्या अगर एनर्जी देखें, इसकी एनर्जी एक्चुअली सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी को हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं। अब इसका मतलब है ये हम अब मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल मूव कर ही नहीं रहा। ये हमारी बेसिक अजम्पशन के ख़िलाफ़ है। हमने जहाँ से अपनी बात स्टार्ट की थी, हमने कहा था पार्टिकल, हमने ये अज्यूम किया था कि पार्टिकल इज़ ए वन डायमेंशनल इज़ इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी। ये हमने स्टार्ट में अज्यूम कर लिया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी वी है। अब अगर हम कहते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो मूव कर ही नहीं रहा, तो फिर हमारी ये सारी डिस्कशन ही बेमानी हो जाएगी। ये जो हम तीन दिन से जो बहस कर रहे हैं ये पूरी बहस ला हासिल हो जाएगी अगर हम ये कह दें कि पार्टिकल की एनर्जी ज़ीरो है। दूसरी बात कि अगर एनर्जी ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो है। ये पी से यहाँ पर पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोमेंटम को। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि उसका मोमेंटम भी ज़ीरो है, और अगर मोमेंटम ज़ीरो है तो फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी ज़ीरो है, यानी डेल्टा पी भी ज़ीरो है। और अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिनिमम हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी। इफ डेल्टा पी इज मिनिमम देन डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इट विल बी मैक्सिमम। और पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होने का मतलब है कि पार्टिकल वन उस बॉक्स के अंदर नहीं है। ये भी हमारी वही बेसिक अजम्पशन के अगेंस्ट है। अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करने की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम है, इट मीन पार्टिकल उस बॉक्स में नहीं है, इसलिए तो हमें वहाँ मिल नहीं रहा, तो दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिक अजम्पशन। एक चीज़ और हमने डिस्कस की कि पार्टिकल की एनर्जी n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n, यानी मॉलिक्यूल जो जो ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, सॉरी पार्टिकल जो जो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये लॉजिकल भी यही है। फिर एक चीज़ हमने और डिस्कस की कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल, एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बॉक्स। बल्कि यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो बॉक्स की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, और एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोज होंगे। ये रिजल्ट्स हमने अज्यूम की, हमने कंक्लूड किए इस इक्वेशन से जिसको हमने इक्वेशन नंबर 9 कहा हुआ है। अब देखें एनर्जी लेवल, सक्सेसिव एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा।
energy difference between consecutive levels सपोज करें लोअर लेवल के n की वैल्यू को हम एन एल से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर लोअर लेवल क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है कि मालिक्यूल के पार्टिकल किस एनर्जी लेवल में है, तो लोअर लेवल के लिए हम n को लिखेंगे एन एल और एनर्जी ऑफ लोअर लेवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई एल से. तो इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 9 है, यहाँ पर लोअर लेवल के लिए n को हम एन एल लिख लें और एनर्जी को ई एल लिख लें. तो एनर्जी ऑफ लोअर लेवल इज एन एल एंड फॉर हायर लेवल हम n को रिप्रेजेंट करेंगे एन एच से. फॉर हायर लेवल वी विल रिप्रेजेंट n विद एन एच और एनर्जी ऑफ हायर लेवल ई एच. अब देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है लोअर और हायर लेवल का, दैट विल बी इक्वल टू ई एच माइनस ई एल. तो यहां पर ई एच की वैल्यू माइनस ई एल की वैल्यू, यह है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एट अ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एट लोअर लेवल. इस इक्वेशन में एच स्केयर ओवर 8 एम ए स्केयर इसको हम कॉमन ले सकते हैं. तो अब इसके मल्टीपल में हमारे पास आ गया एन स्केयर एच माइनस एन स्केयर एल. तो किसी भी पार्टिकल की अगर हमें मास गिवन हो और लेंथ ऑफ बॉक्स गिवन हो और हमें यह बता दिया जाए कि पार्टिकल किस लेवल से किस लेवल में जा रहा है, तो हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दोज लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये देखें, लेट्स सपोज फर्स्ट केस में लोअर लेवल 1 है और हायर लेवल 2 है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी दिस वन. अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल 1 से 2 में जाता है, अगर उसका लोअर लेवल 1 है और हायर लेवल 2 है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इतना होगा. और अगर मालिक्यूल सेकंड से थर्ड लेवल में जाता है, या यूं कह लें कि अगर मालिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से सेकंड एक्साइटेड लेवल में जाता है, देन डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज दिस वन. और अगर मालिक्यूल सेकेंड एक्साइटेड लेवल से थर्ड एक्साइटेड लेवल में जाता है, ये यूं कहें कि मालिक्यूल थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल में जाता है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ये है. सिमिलरली ये कंजक्टिव लेवल के दरमियान हमने एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. अब ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि पहले और दूसरे लेवल में एनर्जी का गैप कम है, दूसरे और तीसरे लेवल में ये गैप ज़्यादा है, तीसरे और चौथे लेवल में ये गैप और ज़्यादा है, चौथे और पाँचवें लेवल में ये गैप और ज़्यादा है. इट मीन पार्टिकल जूँ जूँ हायर लेवल में जाता है, हर आने वाला लेवल पहले लेवल से ज़्यादा फासले पर है. बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल हमें रोटेशनल लेवल में भी मिली थी, अलबत्ता सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर के वाइब्रेशनल लेवल में सिचुएशन इससे डिफरेंट थी, बल्कि अपोजिट थी. वहाँ पर हर नया लेवल पहले लेवल से करीब होता है. जूँ जूँ आप ऊपर जाते हैं, एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे. इसलिए हमने वहाँ कहा था कि हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाके पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहेगी और उसकी वाइब्रेशनल मोशन भी क्वांटाइज्ड नहीं रहेगी, क्योंकि वहां जाके एक्चुअली बांड ब्रेक हो जाएगा. तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल. तो वन डायमेंशनल बॉक्स में इस पार्टिकल का हर नया इम्तिहान पहले इम्तिहान से ज़्यादा मुश्किल होगा. अब इसके रिजल्ट देखें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी के रिजल्ट्स देखें, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं. पहली बात तो ये है कि डिफरेंस
energy difference between conjective level is inversely proportional to mass of particle. ये देखें इस equation को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें इसको डिस्कस करने में और इसका पोस्टमार्टम करने में आसानी रहे. देखें पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी लेवल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो फॉर ए पार्टिकल फॉर हैवियर पार्टिकल एनर्जी लेवल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर देन फॉर लाइटर पार्टिकल. सिमिलरली एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बॉक्स. अगेन बॉक्स की लेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी लेवल क्लोज होंगे. एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव लेवल इज इंक्रीजेज एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव लेवल इंक्रीजेज विद वैल्यू ऑफ एन. एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एनर्जी लेवल एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा. चौथी बात हमने कही कि एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज नॉट क्वांटाइज्ड. ये जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है ये फ्रीली मूव कर रहा है लेकिन ये फ्री पार्टिकल नहीं है. क्यों? कि हम कहते हैं कि इसके आगे भी दीवार है इसके पीछे भी दीवार है और दाएं बाएं ये हो नहीं सकता. ना ये ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है. हमने इस पार्टिकल पर ये कंडीशंस लगा दी हैं कि ये सिर्फ आगे जाएगा या पीछे आएगा. ये दाएं भी नहीं हो सकता बाएं भी नहीं हो सकता ऊपर भी नहीं जा सकता नीचे भी नहीं जा सकता. और इसने सिर्फ आगे जाना है आगे दीवार है. इसने पीछे आना है पीछे भी दीवार है. तो आगे पीछे दीवारें खड़ी हैं उन दीवारों को क्रॉस करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए है. लिहाजा अब ये पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर तो फ्रीली मूव कर सकता है लेकिन ये फ्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि इस पर हमने बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं. इसकी ट्रांसलेशनल मोशन क्वांटाइज्ड है लेकिन अगर ये दीवारें गिरा दी जाएं, वो जो आगे और पीछे दीवार है अगर वो भी गिरा दी जाए तो फिर ये फ्री पार्टिकल होगा. फिर इसकी ट्रांसलेशनल मोशन क्वांटाइज्ड नहीं होगी और फिर इसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड नहीं होगी. तो जब कोई परिंदा हवा में उड़ रहा हो या मछली पानी में तैर रही हो या कोई जानवर कोई इंसान दौड़ रहा हो कोई गाड़ी चल रही हो दैट इज़ फ्री पार्टिकल. उस पर कोई पाबंदी नहीं है उस पर लिमिट कोई नहीं है. विद इन पाकिस्तान वो जहाँ मर्जी जाए और पाकिस्तान से बाहर भी वो वीज़ा लेके जहाँ मर्जी जाए तो उस पर वो कंडीशन नहीं है इसलिए दैट इज़ फ्री पार्टिकल. रशिया से मुर्गाबियाँ उड़ती हैं पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं बगैर वीज़े के बगैर पासपोर्ट के तो दैट आर फ्री पार्टिकल. दे नो लिमिट इन पर कोई लिमिट नहीं होती. तो फ्री पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती और उसकी ट्रांसलेशनल मोशन भी क्वांटाइज्ड नहीं होती. पांचवी बात जिसके लिए हमें फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी. हमने कहा था पार्टिकल को बॉक्स से बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन्फिनिट एनर्जी चाहिए. बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है. तो इस इक्वेशन में जो हमने स्टार्ट में ली आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है तो यहाँ पर V की वैल्यू को इन्फिनिट पुट कर दें. अब हम ये प्रूव करेंगे कि आउटसाइड द बॉक्स वेव फंक्शन ज़ीरो है. ये जो हम प्रूव ये करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो और जब प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी तो वेव फंक्शन भी ज़ीरो ही होगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज़ स्केयर ऑफ वेव फंक्शन. अब पोटेंशियल एनर्जी को हमने ज़ीरो पुट कर दिया E माइनस इन्फिनिट. देखें पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है और इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो E माइनस इन्फिनिट में E इज मच लेस देन इन्फिनिट. वैल्यू ऑफ E इज मच लेस देन इन्फिनिट. देयरफॉर E को हम इन्फिनिट के मुकाबले में इग्नोर कर सकते हैं तो E माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. चूँकि E को हमने इग्नोर कर दिया एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी तो इस इक्वेशन में E को अगर आप इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वेशन यूँ आ जाएगी. नेगेटिव साइन को यहाँ पर ले आएँ इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना लें.
अब देखें इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है ये इन्फिनिटी जब यहाँ न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगी तो पूरा न्यूमिरेटर इन्फिनिटी बन जाएगा। इट मीन कि ये सारा फैक्टर ही इन्फिनिट है। इस इक्वेशन में आप ये नेगेटिव पोर्शन को अगर राइट साइड पर ले जाएं, वी कैन राइट लाइक दिस, और यहां से आप वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। ये इन्फिनिटी इस तरफ आएगी तो ये वन ओवर इन्फिनिटी हो जाएगी एंड वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। जब वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये पूरा राइट हैंड साइड पर सारे ही चीज़ें ज़ीरो हैं। इट मीन वेव फंक्शन ज़ीरो है। जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट हो तो वेव फंक्शन ज़ीरो है। और आउटसाइड द बॉक्स हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, देयरफॉर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द बॉक्स इज़ ज़ीरो एंड देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। Therefore, we have concluded that particle do not go out of box. अब देखें इस equation की applications. इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9 वी कैन कैलकुलेट इक्वेशन 9 या इसके साथ आप इस इक्वेशन को भी कंसीडर करें जिसको हम ये दिस इज विल बी कॉल्ड इक्वेशन 10। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 हेल्प टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एनर्जी। अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सिस्टम। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन अ बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन जो किसी कोवलेंट बॉन्ड में है उसको हम अज्यूम करेंगे इट बिहेव एज अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड इन बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल दे बिहेव लाइक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। दे कैन बी अज्यूम्ड लाइक अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सपोज कर लें हमारे पास एक लीनियर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है 1,3-butadiene। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है इसकी लेंथ मॉलिक्यूल की लेंथ के इक्वल है। यानी इस 1,3-butadiene में ये जो मॉलिक्यूल की लेंथ है यही इसके बॉक्स की लेंथ है। क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम है हर कार्बन एटम के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। ईच कार्बन एटम विल कंटेन एन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इट्स ऑर्बिटल विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर और इन दो कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अनहाइब्रिडाइजेशन की वजह से अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल अगर कंजेक्टिव और नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर हों तो मॉलिक्यूल में
डीलोकलाइजेशन होती है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंजुगेशन। जहाँ कंजुगेशन हो वहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इट मीन इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यूं डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बिहेव करेंगे लाइक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और इस मॉलिक्यूल की जो जितनी लेंथ है उतना ही इस बॉक्स की लेंथ है। दिस इज द केस। ये देखें, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है और ये इसमें 4 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं। हर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो नंबर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर बीइंग ओवरलैप्ड। यहाँ पर 4 मोलेकुलर और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इनके ओवरलैप से 4 ही मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। ये देखें, ये 4 मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं। पहले मोलेकुलर ऑर्बिटल, पहले 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं क्योंकि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम है, और नेक्स्ट 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं क्योंकि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा है। तो फर्स्ट बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को साई 1 से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मोलेकुलर ऑर्बिटल है इसका वेव फंक्शन साई 2 है, उससे नेक्स्ट मोलेकुलर ऑर्बिटल एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, इसका वेव फंक्शन साई 3 है, और उसके बाद साई 4 है। अब देखें, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल से इस बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं। तो N1 से N2 में ट्रांजिशन नहीं हो सकती। 1,3-ब्यूटाडाइईन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन N1 से N3 में नहीं हो सकती क्योंकि N2 में भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अलबत्ता ये ट्रांजिशन N2 से N3 में हो सकती है। N2 हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल है और N3 लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल है। तो ये जहन में रखिएगा कि ब्यूटाडाइईन में जब भी आपको कहा जाए कि एनर्जी लेवल का गैप कैलकुलेट करें, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें, तो आपने NL की वैल्यू को 2 पुट करना है, लोएस्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू को 1 नहीं कहना, क्योंकि N1 से N2 में ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। N2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की अंडर नॉर्मल कंडीशन ये ट्रांजिशन पॉसिबल है N2 से N3 में। अलबत्ता जब इलेक्ट्रॉन N3 में चला जाए तो फिर नेक्स्ट उसकी ट्रांजिशन N3 से N4 में भी हो सकती है, और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन N2 से N3 में आ गया तो फिर N2 में अब गुंजाइश मौजूद है, अब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में। अंडर नॉर्मल कंडीशन N2 से N3 में ट्रांजिशन होगी, N1 से N2 में नहीं होगी, N3 से N4 में नहीं होगी। ये देख लें, अब आप N2 को इट मीन के 1,3-ब्यूटाडाइईन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम N2 टू N3। तो N2 अब इसको हम NL भी कह सकते हैं और इसको होमो भी कह सकते हैं। ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल है और N3 इन दिस केस N3 इज कॉल्ड NH, दैट इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन के केस में आप NH को 3 लिखेंगे और NL को 2 लिखेंगे। नो फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन वी विल पुट
NL equal to 2 and NH equal to 3. बाकी इस इक्वेशन में प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये वाली, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है. मैस, अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर मैस ऑफ पार्टिकल इज एक्चुअली मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम. मॉलिक्यूल में कंजुगेशन जिस बाण तक होगी वहाँ तक की लेंथ हम लेते हैं, और 1,3 ब्यूटाडाइन में ये लेंथ है 0.56 नैनोमीटर, और वी कैन से सिस्टम इंटरनेशनल में ये होगी 0.56 इंटू 10⁻⁹ मीटर. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी. अब देखें डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज दिस वन, ये एनर्जी का गैप है N2 से N3 का 1,3 ब्यूटाडाइन में, और यही एनर्जी का गैप है होमो और लुमो में. जितना हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि दो कंजेक्टिव एनर्जी लेवल में एनर्जी का डिफरेंस जितना होगा ट्रांजिशन के लिए उतनी ही एनर्जी की हमें रेडिएशन चाहिए होगी. तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन होमो एंड लुमो इज दिस वन, देयरफॉर द रेडिएशन वी नीड रेडिएशन ऑफ दिस एनर्जी 9.6 into 10⁻⁹ joule for this transition. तो 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन को N2 से N3 में ले जाने के लिए हमें वो रेडिएशन रिक्वायर्ड है जिसकी एनर्जी इतनी हो, जितना एनर्जी का गैप है, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेव लेंथ कितनी होगी ये हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं. बिकॉज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी डेल्टा ई ओवर एच. ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा ई, इसको हमने प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया. तो दिस इज फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, हमें इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर्ड है फॉर ट्रांजिशन, और उस रेडिएशन की वेव नंबर कितनी होगी, वेव नंबर इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली. दिस वेव नंबर इज रिक्वायर्ड, और उस रेडिएशन की वेव लेंथ कितनी होगी, वेव लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, वेव लेंथ इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर. वेव नंबर को 1 से डिवाइड कर दिया तो 2.07 इंटू 10⁻⁷ मीटर. इस वेव लेंथ की रेडिएशन हमें चाहिए है फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 टू N3 इन वन इन 1,3 ब्यूटाडाइन. तो यहां मीटर की बजाय अगर हम नैनोमीटर में लिखें तो दैट विल बी 207 नैनोमीटर, और ये वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है. इसका मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन को होमो से लुमो तक ले जाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जरूरत है. अगर हमारा सिस्टम 1,3 ब्यूटाडाइन की बजाय इथीन हो तो इथीन में इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा सकता है. तो दिस विल बी द केस, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये इसका होमो और ये इसका लुमो. अब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा सकता है, ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता, N2 से N3 में जाएगा. तो इथीन में होमो N1 है, लूमो N2 है, ब्यूटाडाइन में होमो N2 है, लूमो N3 है. अगर हम चले जाएं पेंटाडाइन में, पेंटाडाइन का केस ब्यूटाडाइन जैसा ही है, इसमें भी कंजुगेशन है, अलबत्ता इसकी लेंथ ज़्यादा होगी. बाकी इसमें भी N2 से N3 में ट्रांजिशन होती है. ये देखें N1 में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, N2 में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में नहीं जा सकता, अलबत्ता N2 से N3 में जा सकता है, ये हमारा होमोलूमो है. अगर हम बात करें हेक्साट्राइन की, ट्राइन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं. इस मॉलिक्यूल को भी अगर लीनियर सपोज कर लिया जाए
इसमें 6 कार्बन एटम हैं और हर कार्बन एटम के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। इट मीन यहाँ पर 6 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं और हर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, नाउ देयर आर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, दे विल ओवरलैप एंड दे विल प्रोड्यूस 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये 3 मोलेकुलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं और ऊपर वाले 3 एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं। बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन साई 1, साई 2, साई 3 और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन साई 4, साई 5, साई 6। अब इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में नहीं जा सकता, N2 से N3 में नहीं जा सकता, अलबत्ता अब इलेक्ट्रॉन N3 से N4 में जा सकता है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप 1, 3, 5 हेक्साट्राईन में होमो लूमो का गैप कैलकुलेट करें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लूमो, तो फिर आपने NL को N3 पुट करना है, NL को 3 पुट करना है और NH को 4 पुट करना है। और 1, 3, 5 हेक्साट्राईन की ये टोटल जो लेंथ है ये हमारे बॉक्स की लेंथ होगी। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स को आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन और उसके बाद हम जाएंगे कि अगर पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स में है देन व्हाट विल हैपन। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।